नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। वक्त 5 का प्रश्नकाल का है। मोदी सरकार ने जब से कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला लिया, तभी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। पाकिस्तान ने चीन का सहारा लेकर 370 को यूएन में उठाना चाहा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को यूएन से फटकारा गया है। 370 हटने से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पुलवामा जैसे हमले की धमकी दे चुके हैं। इमरान खान इस मामले को लेकर दूसरे देशों के सामने लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं, पर हर तरफ से उन्हें निराशा ही मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान दुनिया के सामने कश्मीरियों को भड़काने की कोशिश में लगे हैं और उन्हें बेचारा साबित करने पर लगे हैं। लेकिन तब जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमाणु नीति में बदलाव के संकेत दे दिए, पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और इसमें हमारा कल एक जवान भी शहीद हुआ है। तो 5 के प्रश्न काल में हम चर्चा शुरू करें, उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। तस्वीरें देखिएगा, यहां पर यह तस्वीर जहां पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। जी हां, जो पाकिस्तान लगातार कश्मीर को लेकर कह रहा है कि हम दुनिया के सामने मुद्दा उठाएंगे, यूएनएससी से लेकर यूएन में जब बात होती है, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती तब हो गई जब चीन का सहारा लेकर मुद्दा उठाया गया, लेकिन सभी देशों ने एक साथ एक सुर में कहा कि दरअसल भारत का आंतरिक मामला है, भारत कश्मीर अलग अलग नहीं है और इस मुद्दे को आप यहां नहीं उठा सकते, आपका द्विपक्षीय मामला है, बातचीत करिए, लेकिन इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक दूसरी तरफ इमरान खान की ठीक नीचे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये बौखलाएपन की है, यानी कि खिसियाना पाकिस्तान अब खंभा नोच रहा है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है, हालांकि इसमें हमारा एक जवान संदीप थापर शहीद हो गए उत्तराखंड के। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जो कहता है कि नया भारत है, न्यू इंडिया, उन्होंने कहा हमारी अभी भी नीति ये है, नो फर्स्ट यूज एटमी पावर को लेकर जब होती है, एटमी अटैक को लेकर बात होती है, तो कहा गया कि दरअसल हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये नीति लगातार नहीं रहेगी, हम बदल भी सकते हैं, उसकी समीक्षा भी हो सकती है समय समय पर। और इसके बाद जब ये हो गया तो चौथी तस्वीर सवाल खड़ा कर रही है, वो सवाल ये है कि आखिरकार पाकिस्तान सुधरेगा कब। लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, कश्मीर को लेकर घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, रोया जा रहा है, जब हमारे यहां सब ठीक है तो आखिरकार आपको तकलीफ क्या है, आप क्यों रो रहे हैं। रक्षा मंत्री ने यह और कह दिया, उसके बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती और हो गई कि हम बात तो करेंगे लेकिन सिर्फ पीओके पर। तो ऐसे में अलग अलग तरह से जब हम बात करें इन चार तस्वीरों की, इसके बाद हर तरह से सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिरकार ऐसी स्थिति में क्या किया जाए पाकिस्तान का, पाकिस्तान जो है वो सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। ये 5 बड़े सवालों की जब हम बात कर रहे हैं, अपनी ऊंची हरकत से पाकिस्तान बाज कब आएगा, ये सवाल है। सवाल नंबर 3 भी है, आखिरकार क्या भारत अपने परमाणु हमले के नियमों को बदलने वाला है, पाकिस्तान की तरफ से जो रवैया है उसके बाद तो यही लग रहा है। इसके साथ ही साथ सवाल नंबर 4 ये है कि क्या रक्षा मंत्री के बयान से पाकिस्तान सुधर जाएगा, सुधरेगा तो नहीं, कम से कम डरेगा तो, एक डर तो होगा कि ये न्यू इंडिया है। सवाल नंबर 5 के प्रश्नकाल का, क्या पाकिस्तान का पक्का इलाज होने वाला है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया गया, 2 बार एयर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, और अब जब बात हो रही है ऐसी स्थिति की तो सवाल ही उठ रहा है कि पाकिस्तान का पक्का इलाज अब होने वाला है, क्योंकि अब रक्षा मंत्री का बयान भी ये कहता है। 5 के प्रश्नकाल में आज की डिबेट क्यों है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। यूएन में पाकिस्तान को चीन को छोड़कर किसी भी देश का साथ नहीं मिला। 370 हटने से बौखलाया पाकिस्तान, लगातार एलओसी पर गोलीबारी कर रहा है। इसके साथ ही साथ भारत के परमाणु हमले के नियम को लेकर रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि समय समय पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। यूएन ने पाकिस्तान को भारत के साथ किसी भी मसले का हल करने के लिए शिमला समझौते का रास्ता दिखाया। इसके साथ ही साथ यूएन ने पाकिस्तान को चीन को छोड़कर किसी भी देश का साथ नहीं मिलाया, यह भी अपने आप में एक स्थिति है। 370 हटने से बौखलाया पाकिस्तान, लगातार एलओसी पर गोलीबारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं डिबेट क्यों है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जिस तरह से यूएन ने पाकिस्तान को भारत के साथ किसी भी मसले पर समझौते के लिए शिमला समझौते को याद करने के लिए कहा है। यूएन ने पाकिस्तान को चीन को छोड़कर किसी भी देश का साथ नहीं मिला है। 370 हटने से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। तो ये आपने डिबेट क्यों है देख लिया, आगे चलेंगे और चर्चा अब हम शुरुआत करेंगे। चर्चा शुरुआत करेंगे और खास मेहमानों से आपको रूबरू हम करवा देते हैं, जहां पर हमारे साथ बेहद खास पैनल इस वक्त मौजूद है। आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं।
इस खास चर्चा में हमारे साथ सीधा लखनऊ स्टूडियो से अगर हम बात करें संविधान विशेषज्ञ मंजूषा कपिल है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएसपीएल से आपदा रण सिंह हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ ए के मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, साथ ही साथ हमारे साथ लॉयर संजय वर्मा, आपका बहुत बहुत सर स्वागत है। चर्चा हम शुरुआत करें और चर्चा शुरुआत में सबसे पहले हम रुख एक एक का करेंगे, क्योंकि हर बार जब चर्चा करते हैं तो एक एक का जो एनालिसिस होता है किसी चीज़ को लेकर वो मजबूत होता है, और खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मसले पर जब हम बात करें तो अच्छी पकड़ रखते हैं। एके हम 370 से शुरुआत करेंगे, जब 370 धारा हटाई गई, 35 से हटाया गया, उसके बाद से पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान की बातचीत, पाकिस्तान का जो पूरा माहौल अगर हम बात करें, ऐसा लगा जैसे हमने उनका कुछ ले लिया है, हमने उनके घर से कुछ सामान उठाकर लाए, और हमारे जैसे कहा जाता है देहाती में कि हमने उनके घर की भैंस जाकर चोरी कर ली है। इस तरह का रवैया लगातार उनकी तरफ से है। यूएन में जाते हैं, यूएनएससी मुद्दा उठाते हैं, फटकार हर जगह से लग रही है। चीन का साथ मिला लेकिन बाकी सब भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी भी सुधर नहीं रहा है। जब कुछ नहीं बचा तो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, राष्ट्रपति कहते हैं हम जिहाद करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो अभी सीज फायर के उल्लंघन में हमारे एक सैनिक शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। आप जेनेसिस देखिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान के पास था क्या? एक ऐसा देश, और उस देश को जो बनाने वाले हैं उनकी आइडियोलॉजी का अवलंबन या आधार जब ग्रीड रहा हो, लालच रहा हो, मार काट रहा हो, जितने अनैतिक कार्य हैं वो रहा हो, उस आइडियोलॉजी पे अगर कोई एक देश बचा बना था तो उसके पास उस वक्त भी कुछ नहीं था और अभी भी नहीं है और फ्यूचर में भी कुछ नहीं है। आप उनके लिए कुछ भी कर दीजिए, कितनी बार पीसफुल यात्राएं यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी सब लोगों ने किया, उनके 90,000 सैनिकों को हम लोगों ने बड़े आदर के साथ यहाँ पे रखा, पूरी सुविधा देते हुए छोड़ दिया बिना एक इंच जमीन लिए हुए। आज के कलयुग में ऐसा कहीं संभव है? तो ये उनकी आइडियोलॉजी, ये उनकी जेनेसिस है, यही चीज यहाँ पे भी है। देखिए, चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं, ये पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी है, नेशनल बिहेवियर है, राष्ट्रीय व्यवहार है ये पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का ऐतिहासिक व्यवहार है जो शुरू से ही उसके बनने के साथ चली आ रही है कि जबरदस्ती। आप पाकिस्तान को देखिए, वहां की मीडिया को सुनिए, हर जगह पूरी दुनिया में रोहिंग्या का प्रॉब्लम हुआ तो वहां पे पाकिस्तान खड़ा हो गया, उनको दर्द शुरू हो गया। हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन है, मसला किसी और का है, इनके सब वहां पे भाई हैं। कहीं पे भी इंटरनेशनल कुछ होता है ये सब जगह खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इनको बोला है कि ये इनका राष्ट्रीय व्यवहार है फटी में टांग अड़ाना। और इन्होंने किया क्या है, आप ये भी देखिए कि हमेशा ही इन्होंने दूसरों के कंधे पे बंदूक रख करके चलाई है, अपने आप कुछ किया नहीं। पहली जब वार हुई तो इन्होंने क्या किया, मुजाहिदीन को भेजा, यानी अपने कंधे पे नहीं किया। इवन कारगिल तक इन्होंने क्या किया, मुजाहिदीन को भेजा, अपने कंधे पे करने का दम नहीं है। एक दो बार इन्होंने अपने कंधे पे किया तो दो टुकड़े हो गए। दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी होता है तो ये केवल, अब वहां पे है क्या, ना इंडस्ट्री है, ना डेवलपमेंट है, तो कैसे वहां पे ये लोग जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वगैरह कर लेते हैं दूसरों से, हमने अपना हटाया, अब उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। क्यों, उनके पास कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ है ही नहीं, बस यही एक मुद्दा मिला है कि अपने आप को दुनिया की नजरों में पीड़ित दिखाएं और दो चार छह हजार डॉलर या कुछ मिलियन बिलियन जो है राशि फिर से कहीं से सहायता से मिल जाए। तो ये उनका बिजनेस है, ये उनका मनी मॉडल है, ये उनका इकोनॉमिक मॉडल है। कभी ये जो है अफगान के नाम पे लड़ाई लड़ने के लिए अभी तक अमेरिका से पैसा लेते रहे, टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए ये पैसा लेते रहे। ये पाकिस्तान पाकिस्तान ना होके भाड़े की एक मंडी बन गया है, इनको पैसा दो, इनसे कुछ भी करवा लो और दिन दहाड़े करवा लो, दिन में 12 बजे करवा लो। तो अब ये भीख मांगने का इनका तरीका है, कभी चाइना से कभी कुछ, एक नया इनको मिल गया है जबरदस्ती का, सोच रहे हैं कुछ मिलियन डॉलर कहीं से और मिल जाए, कुछ अगर एक दो सिंपैथी एक देशों की मिल जाए तो फिर से पैसा आ जाए, ताकि जो इनकी बेरोजगार, जो इनकी इकोनॉमी कंगाल हो चुकी है, कंगाल देश है, जो कंगाल हो चुकी है, एक दो दिन के लिए रोटी वोटी तो मिल जाए, ये वहां पे मुद्दा है। बिल्कुल अच्छे एनालिस्ट है, और ऐसे में अगर हम चर्चा इसी से अगर हम आगे बढ़ाएं, विवेक श्रीवास्तव बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, पूरी स्थिति अगर हम देखें, पहली बार ऐसा हुआ, हालांकि उस बयान को बहुत मजबूत तौर पर देखा जा रहा है और देखना भी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मानिएगा कि बिल्कुल में जिस न्यू इंडिया की बात की जाती है उससे और ज्यादा न्यू इंडिया नजर आएगा। रक्षा मंत्री कहते हैं, लखनऊ से सांसद हैं और पुराने नेता हैं, कहते हैं कि दरअसल हमारी नीति है नो फर्स्ट यूज परमाणु अटैक को लेकर, लेकिन अगर स्थिति नहीं सुधरी, अगर वहां के राष्ट्रपति कहते हैं हम तो जिहाद करेंगे, तो हम अपनी नीति की समीक्षा भी कर सकते हैं।
यानी आज की तारीख में जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान से हम भी, हमारी सरकार भी इतना ज्यादा अब हम तंग आ चुके हैं, इतना तंग आ चुके हैं कि अब इसी तरह से वो सुधर सकते हैं। आवाज चली गई विवेक श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ जी, आ गई आ गई जी। मैं आपसे पूछ रहा था जिस नीति की बात कही जा रही, नो फर्स्ट यूज जो नीति है, लेकिन उसकी समीक्षा की जा सकती है, रक्षा मंत्री का ही कहना है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का आखिरकार पक्का इलाज क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं, हालांकि जवाब लगातार दिया जा रहा है, उनके हमले का सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया जाता है, 370 हमने हटा दी पाकिस्तान का, उससे कोई मतलब नहीं, ना होना चाहिए। आज की तारीख में उनके राष्ट्रपति कहते हैं कि हम जिहाद कर देंगे, हम ये भेजेंगे, तो हमारी तरफ से कहा जा रहा है नो फर्स्ट यूज की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में पक्का इलाज क्या, क्योंकि सीज फायर हो रहा है, कल भी हमारा एक जवान शहीद हुआ है। अजतेश जी जी, हमारे जिस तरह से जवान वहां शहीद हो रहे हैं, उस शहादत को मैं नमन करते हुए आगे अपनी बात करूंगा। पिछले 70 सालों में 42,000 निर्दोष लोग वहां घाटी में मारे गए, सैन्य बलों की तमाम शहादतें हुई, 3-3 युद्ध पाकिस्तान लड़ चुका है और सब में मौकी खा चुका है। इसके बाद वहां के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि हम जिहाद करेंगे, हम और हम लोगों को इसके लिए उकसाएंगे, इस तरह तमाम बातें वहां के प्रेसिडेंट के द्वारा कही जा रही हैं। ऐसे में भारत को अपनी तमाम नीतियों की समीक्षा करने का हक है। हम परमाणु मसले पे नो फर्स्ट यूज की नीति पे चलते थे, ऐसे में माननीय राजनाथ जी का जो बयान है वो पूरे देश की भावना है। आज स्थिति ये है अजतेश जी कि हिंदुस्तान की कोई ऐसी तहसील नहीं होगी जहाँ का नौजवान सुरक्षा बल के माध्यम से चाहे सेना के माध्यम से अपनी कश्मीर में शहादत न दे चुका हो। इतनी मात्रा में हमारे रणबांकुरे वहाँ शहीद हो चुके हैं और उसके बावजूद पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह व्यवहार कर रहा है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आज इस्लाम को बेचने का ठेका पाकिस्तान ने ले रखा है। दुनिया में कहीं भी अपराध और आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उसके जड़ पाकिस्तान में मिलती है। कहीं भी हम विषय हो, चाहे फिलिस्तीन का, जैसे भी आपके कह रहे थे कि फिलिस्तीन से लेकर के कहीं भी हो, हर जगह ये उनके पैरोकार बन के खड़े हो जाएंगे, कुछ पैसा ले लेंगे, कुछ डॉलर जब भीख में मिल जाता है तो फिर अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं। अफगानिस्तान से लेकर के सारी जितने पड़ोसी देश सब पाकिस्तान से तबाह हैं और दुनिया में जहां आतंकवाद हो रहा है उसकी जड़ें पाकिस्तान में मिल रही हैं। आतंकवादियों की फैक्ट्री है पाकिस्तान, एक नॉन सीरियस कंट्री के रूप में पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। ऐसे में जो पाकिस्तान के प्रति हमारी रक्षा मंत्री ये और कहते हैं विवेक जी कि दरअसल पाकिस्तान से बातचीत तो होगी लेकिन बातचीत कश्मीर पर नहीं, मतलब जो कश्मीर हमारा है उस पर नहीं, बल्कि बात सिर्फ पीओके पर होगी, तो क्या माने कि जो लगातार खबरें हैं अब जो क्योंकि जब गृह मंत्री भी बोल रहे थे संसद के अंदर तो वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कश्मीर का मतलब सिर्फ वो कश्मीर नहीं जो हमारा है, बल्कि वो कश्मीर जिसका हिस्सा अक्साई चीन भी है और पीओके भी है, वो भी है, तो इसको लेकर अब किस तरह की नीति रहेगी, क्या उस पर भी अब अगला टारगेट? अजतेश जी जो बात होगी वो बिल्कुल उसी पाक अधिकृत कश्मीर पे होगी कि जो इन्होंने 1947 के दौरान कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना भेज के कब्जा कर लिया। आखिर इनको उस भूभाग पे कब्जा जमाए रखने का क्या अधिकार है? महाराजा हरि सिंह ने जो विलय पत्र दस्तखत किया था वो भारत सरकार के साथ किया था, वो पाकिस्तान के साथ नहीं किया था। कोई हक नहीं कि पाकिस्तान उस भूभाग पे कब्जा जमाए रखे और उसका कुछ हिस्सा जो अक्साई चीन कहा जाता है उसको चाइना को दे दे। ये हमारे माल का बंदरबाट, हमारे उस भूमि का बंदरबाट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत की वो पीढ़ी है, ये भारत की वो सरकार है, भारत बदल चुका है। ये 1947 वाला भारत नहीं है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के समय वाला भारत नहीं है, ये इंदिरा गांधी के समय वाला भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के, राजनाथ जी के, अमित शाह जी के समय वाला भारत है। ठीक है सर, अब बात जो होगी
पाक कश्मीर पे होगी, उससे कैसे पाकिस्तानी कब्जा हटाया जाए इस पे बात होगी, कैसे वो अपनी सेनाएं वहां से हटाएंगे, अक्साई चीन और पाक कश्मीर कैसे सुरक्षित तरीकों से भारत की सेना को सौंपा जाएगा, इस पे बात होगी। ठीक है, अफजलन सिंह सांसद हमारे अफजलन सिंह जी, चूंकि आप खुद एक गंभीर रिश्ता आपका रहा है देश की सेना से, जब हम बात करते बात होगी तो एक राजनीतिक शख्सियत होने के साथ साथ आप दारण सिंह जी, चूंकि जब हम बात आपसे कर रहे हैं तो हम ये भी चाहेंगे कि दरअसल एक जो आपकी आपका एक जुड़ाव रहा है सेना से उसको लेकर भी आप बोलें कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान है उसका पक्का इलाज क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह कि 370 हटने के बाद लगातार जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, लगातार कहा जा रहा है कश्मीर के अंदर हालात ऐसे, कश्मीर के अंदर हालात वैसे, हमारे देश वालों को चाहे वो कश्मीर के अंदर के लोग हो बाकी राज्यों के लोग हो, वो तमाम चीजें देख रहे हैं, वो खुश हैं, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा आग लगी हुई है, उन्हें ही सारी नुकसान मुश्किलें कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोगों को दिखाई दे रही हैं। आपदा रण सिंह जी, देखिए तेज जी, पाकिस्तान जन्म के दिन से इन्हीं मुद्दों की खाता आया है। हाँ। जिसके यहां शुरुआत आतंकवाद और मारकाट से हो, उनसे अच्छी उम्मीद कोई की नहीं जा सकती। और इन्हीं चीजों के चलते उनका इकोनॉमी एक के बाद एक दिन गिरता ही गया। आज की स्थिति यह है कि पाकिस्तान में 60 दिन का रिजर्व बचा है, 61वें दिन के लिए कोई जुगाड़ नहीं है। अगर अमेरिका या कोई दूसरे देश के लोग आके उनको मदद नहीं करते हैं तो 2 महीने में भूखे मर जाने की नौबत है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बेस यही रहा है जिसको हम छद्म युद्ध करते हैं, गोरिल्ला वार। ये कभी सामने से नहीं लड़े, जब जब सामने से नौबत आई, तो 71 की ही बात ले लीजिए, हमारी सेनाओं ने लाहौर 12 किलोमीटर रह गया था वहां तक पहुंच गई थी, यूएन के दबाव में वापसी हुई। दूसरी तरफ देखा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो इनकी धमकी भमकी का कोई मतलब नहीं है और ना ही ये सुधरेंगे। ये जो आदमी इस पे उतारू हो, सर पे कफन बांध के घूम रहा है कि हम खाली गोली चलाएंगे और उसके बदले जो इनकम होगी उससे खाएंगे, ना इनकी इनके पास कोई इंडस्ट्री है, ना इनके पास डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम है। रही राजनाथ सिंह जी के बयान की बात, तो मुझे नहीं लगता कि परमाणु मसले पर राजनाथ सिंह जी को इतनी गंभीर बयान देने की जरूरत थी। जो पाकिस्तान भूखों मर रहा हो हमसे क्या लड़ेगा, हमारे अगर सैनिक के हाथ पर खोल दिए जाए तो 24 घंटे में कराची में नाश्ता करेंगे। ये हमसे लड़ने लायक नहीं है। और जो परमाणु बम की धमकी की बात है, इनके राष्ट्रपति बोल रहे हैं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कभी लोकतांत्रिक प्रशासन रहा ही नहीं। अगर चुनी हुई गवर्नमेंट भी रही है तो उसका 80% होल्ड सेना और ISI के पास होता है। तो अगर वो भारत के खिलाफ नहीं बोले उनके राष्ट्रपति, तो कौन सा कलमा पढ़े जिससे उनकी इनकम बढ़ जाए या कहीं से उनको कुछ पैसा मिल जाए। तो ये उनकी मजबूरी भी है। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर राजनाथ सिंह, और रही बात तब महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के उस रवैये की, आपने देखा उसका फर्क भी नजर आया। आप ये कहने में, हालांकि कहने और करने में बहुत फर्क होता है पाकिस्तान की तरफ से जो भी कहा जाता है। जी जी जी, एक नहीं नहीं मुझे नहीं लगता, देखिए गंभीर बात नहीं है कि राजनाथ सिंह जैसे लोग इतने बड़े देश का रक्षा मंत्री उनके खिलाफ बयान दे कि हम नीति की समीक्षा कर सकते हैं। आप एक शस्त्र लाइसेंस लेते हो, आपके पास खाली रिवॉल्वर लगी रहनी चाहिए, हो सकता है 10 साल में एक कारतूस फायर करने की जरूरत न पड़े। आपके पास तो आप लाइसेंस ले तो इस बात के लिए नहीं लेते हो, अपनी सुरक्षा के लिए लेते हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश के सामने हमें हमारे रक्षा मंत्री ऐसा बयान दे, मुझे ठीक नहीं लगा। नहीं दिया जाना चाहिए था, हम सक्षम है, तैयार बैठे हैं, जब जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। अजितेश, मैं आपको बताऊं, NFU यानी नो फर्स्ट यूज जो न्यूक्लियर वेपन का, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन था, उस तरीके से हम लोग इसको एनालाइज नहीं कर पाए या प्रेजेंट नहीं कर पाए। आप ये देखिए, हजारों साल हमारी अभी तक की पुरानी परंपरा रही थी, पृथ्वीराज चौहान ने 13-14 बार छोड़ दिया था। ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती रहती थी कि हमारी आर्मरी में हमारे पास हथियार तो बहुत होते थे, रणनीति बहुत होती थी, लेकिन नो फर्स्ट यूज हम हजारों साल से करते आ रहे थे। ये जरूरी है, राजनाथ सिंह ने जो किया वो बदलते हुए टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक दोनों पॉइंट से देखिए,
भारत को आज लड़ना है क्या होगा, चाइना और पाकिस्तान दोनों का इंटरेस्ट सेफ है, एक है। हाँ, अगर आज अटैक होगा, अगर वार चाहे पाकिस्तान से शुरू हो जाए चाहे चाइना से, आप मान के चलिए कि दोनों एक साथ रहेंगे। चाइना जो ऐसे सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पे जो रेशियो देखेंगे, वार की क्रिटिकलिटी देखेंगे इंडिया के लिए, तो हमने परमाणु हथियार बना करके रखे हैं, तो इसलिए बना के रखे हैं कि उसमें संस्कृत का श्लोक सजा करके उसको माला पाना है कि हम शांति के पुजारी हैं, अहिंसा परमो धर्म, नहीं अहिंसा परमो धर्म, उसके आधे वाला जो हिस्सा है ना उसके आगे धर्म हिंसा तथैवच, तो अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैवच, ये श्लोक पूरा करने के लिए नो फर्स्ट यूज के प्रिंसिपल को बदलना जरूरी है। ये ठीक है, ये इन्होंने एक हिंट दिया है, लेकिन अब आप ये मान के चलिए कि आज हमारा ये श्लोक कि अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैवच, अगर हमारे ऊपर अटैक होता है, किसी ने भी गुस्ताखी की, किसी भी तरीके से हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी है, जो चीजें हमारे पास घोषित या अघोषित तरीके में है, तो अहिंसा परमो धर्म की माला जपने के लिए अब भारत नहीं है। अब धर्म हिंसा तथैवच वाला जो है कॉन्सेप्ट अपनाया जाएगा, हम जब चाहेंगे तब उसको प्रयोग करेंगे, उसमें फिर हम ये परिणाम क्वांटिटी और क्वालिटी नहीं देखेंगे कि जी उनके तरफ से भगोड़े आए थे कि वो कौन जो है कोई फ्रीडम फाइटर आए थे या कौन आए थे, वो किसी को भी भेजे, अगर सीमाओं का उल्लंघन हुआ, भारत के मान्यताओं का उल्लंघन हुआ, तो हमारे पास जितनी चीजें हैं स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल वे में यूज करने का ये पहला स्टेप है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए कि हम क्या क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं छोटी सी हिमाकत पे। तो ये एक ऐतिहासिक कदम है NFU को हटाने का, नो फर्स्ट यूज के कॉन्सेप्ट को हटाने का। भारत माता को हजारों साल से इसका इंतजार था, धर्म अहिंसा परमो धर्म हजारों साल बीत गए और इसके कारण हम मार खाते रहे। अब उसके आगे वाली लाइन पढ़नी जरूरी है, धर्म हिंसा तथैवच, यही है नो फर्स्ट यूज को हटाना। बिल्कुल, आप दरअसल जी आप कुछ बोलेंगे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। नहीं, AK मिश्रा जी का कहना सही है, लेकिन मैं एक सैनिक के रूप में पाकिस्तान की क्षमताओं को भी जानता हूँ। हमारा उनका आमने सामने का भी युद्ध हुआ है, अंदर घुस के बहुत बार मारा गया है। अब आप टेक्नोलॉजी का युग आ गया तो आप दिखा लेते हो सर्जिकल स्ट्राइक, नहीं तो जब जब इनकी तरफ से कोई ओछी हरकत होती है तो 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर घुस के मार के आते हैं हम लोग। सैनिक हमारे कहीं से कमजोर नहीं ना, उनका मनोबल कमजोर है। ठीक है सर, ठीक है। फर्स्ट यूज आएंगे सर आपके पास, बाकी मामलों के पास चलते हैं। पाकिस्तान के लौट आएंगे, जरूरी थी। अरविंद विद्रोही जी, धर्म सिंह जी आपके पास अभी हम आ जाएंगे, एक सेकंड मारे सर, लौट कर एक बार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है। आप धर्म सिंह जी एक बार इसी सेगमेंट में सारे मेहमानों को ले लेते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे एक बार फिर से। फर्स्ट यूज के पक्ष में हूँ। रुकिए ना अरविंद विद्रोही जी, इस पूरी चर्चा को आप लगातार सुन रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम को भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले भारत सरकार की जब तक की नीति रही है वो किस तरह की आप आंकते हैं एक पत्रकार के तौर पर, और दूसरी तरफ चूंकि लगातार पाकिस्तान से और आपका सबका आमना सामना होता रहता है बयानों के जरिए, उधर टीवी पर बैठते हैं लोग, इधर हम भी बैठते हैं, उधर सेनाओं का आमना सामना होता रहता है कई बार। अभी जो धीरे धीरे छोटे छोटे ऑपरेशन चल रहे हैं एक मरीज के, वो कैसे हैं? अस्तेश जी, आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें रही हैं विदेश के मामले में, खासकर पाकिस्तान से और चाइना के मामले में, सभी सरकारें राष्ट्र हित में ही रही हैं और बिल्कुल जनहित के मुद्दे पर रही हैं। ये जो वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सरकार को पिछली सरकार भी और अभी जो ये सरकार है, इनको जो करना रहता है अपने संकल्प को और जो इनको क्रियान्वित करना रहता है इसको करके दिखाने वाली सरकार है। अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का ये वर्क कल्चर है। इसमें राजनाथ सिंह जी जो लखनऊ के सांसद हैं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और देश के इस समय रक्षा मंत्री हैं, इनकी जो बयान आ गया है इसको मैं इस सरकार की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की कार्यनीति से, कार्य योजना से अलग मानता हूं। क्योंकि कोई भी बड़ा निर्णय हुआ है ना अमित शाह जी और ना नरेंद्र मोदी जी ने उसको पहले स्पष्ट किया है अखबारों में। एक समय जब अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी की पूरी चर्चा हो रही है, देश के जनमानस में भी चर्चा हो रही है, बाहर जो हो रही है वो हो रही है, राजनीति के क्षितिज पर भी इस समय पार्टी के अंदर, पार्टी बाहर, विपक्ष दोनों, अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी केंद्र बिंदु में हैं।
गृह मंत्री रहते हुए बहुत बोल्ड डिसीजन लेने में राजनाथ सिंह जी असफल साबित हुए थे। अब वो रक्षा मंत्री हैं। मेरा ये मानना है कि अपने पार्टी के अंदर और देश के अंदर एक राजनीतिक लीड लेने के लिए, अखबारों में और उसमें चर्चा में आने के लिए राजनाथ सिंह जी ने ये बयान दिया है, जबकि पूरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जब भी ये करना होता बिना कहे वो कर देते और ये करते, पूरा देश साथ होता और साथ रहेगा। हाँ। ये उनकी बयानबाजी महज राजनीतिक लीड लेने की, वो अखबारों में छपने की एक बीमारी है। हाँ। ये कहने की जगह करने वाली सरकार है। मंजू शाह जी आपके पास आ रहे हैं, एक राजनीतिक चूक उन्होंने। ठीक है जी, विवेक जी बोलिए। अस्तेज जी, मैं अरविंद जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ। राजनाथ जी देश के रक्षा मंत्री हैं, बार बार पाकिस्तान की जो गिदड़ भभकी आती थी, परमाणु संपन्न देश हैं, और जो हमारे यहाँ के जो तथाकथित कश्मीरी नेता जो बताते थे कि पाकिस्तान से बात करिए, वो एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर है, उन सब के मुंह पे ताला लगाने का काम राजनाथ जी ने इस बयान से किया है। इस बयान का स्वागत किया जाना चाहिए, इसमें कोई मीन मेक निकालने की आवश्यकता नहीं है। पूरे राष्ट्र को राजनाथ जी के बयान के साथ सहमति व्यक्त करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अरविंद विदुरी जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? जी अस्तेज जी, गृह मंत्री अभी बहुत पुराना, राजनाथ सिंह जी की राजनीति पर नहीं जाऊंगा मुख्यमंत्री काल पर। अभी गृह मंत्री रहते हुए जितनी उन्होंने निंदाएं की है कि उनको निंदा मंत्री कहा जाता था, और रक्षा मंत्री के रूप में जो उन्होंने बयान दिया है, ऐसे ही बयान दे, उनको बयान मंत्री भी कहा जाएगा। करने वाली सरकार में कहने की जरूरत नहीं है। आप तो गृह मंत्री रहते आपने वो काम नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कर दिया। केवल आप निंदा, अब निंदा हुई है, जवाब देंगे, निंदा होगा जवाब, अब आप बयान देने लगे। जो ये करना था कर देना चाहिए था, कौन रोक रहा है? ये सरकार करने वाली है, नोटबंदी करनी थी कर दिया, 370-375 हटाना था कर दिया, लोग देखते रह गए। ये तो आपने 100 से बाजी कर दी कि हम ये करेंगे। अरे भाई, वो करना था तो कर देते, देश आपके साथ है। देश भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रहित के मुद्दे पर खड़ा है। बयानबाजी करके राजनीतिक लीड लेने का ये प्रयास है राजनाथ सिंह का, और कुछ नहीं। अरविंद जी देखिए, उस समय हमारे पास बहुमत नहीं था सदन में। अरे बहुमत बना भी नहीं है, बहुमत बना लिया अमित शाह ने। विवेक जी यहाँ पे आप गलत हैं। अमित शाह जी के कुशल राजनीति में बहुमत बना लिया। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा को चौपट कर दिया था। अरविंद जी, भाजपा को चौपट कर दिया था उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह ने। ये जब मैं आपके पास आऊंगा आपको पूरा समय दूंगा, भरपूर समय दूंगा, और मैं आपसे ही वादा करता हूँ, थोड़ा सा बस रुक जाए। एके मिश्रा जी, क्योंकि आप राजनीति के विश्लेषक है, इसलिए मेरा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा पाकिस्तान को लेकर हो भी रही है, लेकिन राजनीतिक लीड की बात हो रही है। आप उदाहरण दिया गया कि दरअसल गृहमंत्री रहते हुए आपसे बयान देते थे, अमित शाह ने आकर कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमित शाह भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद पता नहीं होगा, पता सब चीज़ें, भाई ऐसा तो है नहीं अपने आप से कागज़ पर साइन कर दिए, पूरी चीज़ें अप्रूव्ड होके हैं सरकार की तरफ से। अगर कोई बयान है तो वो भी जाहिर सी बात है अप्रूव्ड उस सरकार में, जो कुछ भी हुआ, ऐसा नहीं कि गृहमंत्री की मर्जी के बिना हो गया होगा, राजनाथ सिंह की मर्जी, ऐसा कुछ है क्या फिलहाल? नहीं, देखिए, विद्रोही सर ने विद्रोह कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। विद्रोही सर, देखिए मैं आपको बताऊं, बात जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की होती है, बात जब भारत के वैश्विक सुरक्षा की होती है, तो वहां पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को नहीं लिया जाता है। मैं समझता हूं और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पे रक्षा मंत्री अच्छा कुछ बोल सकते हैं, कुछ ऐसी पंचिंग लाइन बोल सकते हैं जिससे वो प्रसिद्ध हो जाए। वो भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी इतना समझ है कि नो फर्स्ट यूज के स्टेटस के बारे में बोलने का ग्लोबल मतलब क्या होता है, कितनी बड़ी सैंक्शन लग सकती है ग्लोबल इकोनॉमिक उसमें WTO वगैरह से। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको केवल बोलना, आप इसको ऐसे मत लीजिए कि केवल अखबारों में आने के लिए। भारत का कोई भी मंत्री अखबारों में आने के लिए इतनी बड़ी चूक नहीं करेगा, वो भी बीजेपी में, जहां पे कि पूरा सिस्टम एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अनुशासित है कि इन चीजों पे किसको क्या बोलना है। भाई अगर इतना बड़ा अखबार में रहना होता तो मोदी जी बोलते या अमित शाह जी बोलते। देखिए, इसको बहुत गंभीरता से लीजिए, केवल ये स्टेटस चेंज कर देने से ना
पूरे दुनिया में तहलका मच जाता है। बहुत सारे एक परमाणु बम का परीक्षण करने पे देखिए कितने सारे सैंक्शन लग जाते हैं। तो ये बोलना भी किसी एक परमाणु बम से जो है परीक्षण से कम नहीं है, अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो। विद्रोही सर ऐसा विद्रोह मत करिए नेशन स्ट्रेस राष्ट्र के जो है इंटरेस्ट में, मेरा विनय है। ठीक है विद्रोही जी, आऊंगा मैं, आपदारण जी आऊंगा, मंजूषा जी को मैं चर्चा में ऐड करूंगा, उसके बाद संजय जी को करूंगा, उसके बाद आप लोग के पास आऊंगा, क्योंकि लगभग आधा घंटा हो गया। माफी चाहता हूं मंजूषा जी, चर्चा लगातार हम करते गए, आपके पास मैं आऊंगा। और अब मेरा सवाल ये कि बात जब राजनाथ सिंह के उस बयान की भी होती है जिसमें वो कहते हैं कि दरअसल आप कश्मीर पर अगर बातचीत करनी है पाकिस्तान को तो आइए, स्वागत है, लेकिन पीओके पर बातचीत करिए, आप जो जो हमारे पास है उस पर तो बातचीत हम कर ही नहीं सकते, वो हमारा केंद्रशासित प्रदेश भी है। आज की तारीख में जिस तरह की स्थिति लगातार बन रही है, कई लोग आप संविधान की भी संविधान का लगातार हवाला दे देते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं उसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन नेशन इज फर्स्ट की जब बात की जाती है तो उसकी तारीख में हम खुद कहाँ हैं? पीओके पर जब बातचीत का जिक्र हो रहा है उसकी क्या स्थिति नज़र आती है पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से? आपका पूरा एक बार हम विश्लेषण चाहते हैं, भरपूर समय देंगे मैम आपको, बोलिए। कि जब बात हमारे इसकी बात आ रही है कि किसी ने क्या बयान दिया, उस बात से पहले ये बता दें कि वहां पे जब पाकिस्तान ने ये कहा कि ये मुद्दा हमारा यूएन में जाना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र परिषद के सामने ले गए, वहां पे सीधे सीधे ये है, जब शिमला समझौता हुआ था, जब पाकिस्तान में पाकिस्तान के कबायली लोग वहां पर जाकर के वहां पे जिहाद के नाम पे आतंकवाद शुरू किए थे और वहां पे लोगों के साथ में बहुत जो कुछ हो रहा था, आतंकवाद घटनाएं जो हो रही थी, तब ये कहा गया था शिमला समझौते में, पहले आप आतंकवाद खत्म करिए, पहले आप हिंसा खत्म करिए, अपने कबायली लोगों को वहां से हटाइए, उसके बाद भारत के साथ आपके बातचीत हो सकती कश्मीर को लेकर के। लेकिन पाकिस्तान ने शिमला समझौते को नहीं माना और आज भी नहीं माना, यही एक वजह है कि वहां से यूएनओ से वापस आया, यही वजह है कि वहां से वापस आया, क्योंकि वहां पे यही कहा गया कि पहले आप हिंसा खत्म करिए जिसको आपने जिहाद का नाम दे रखा है, आतंकवाद खत्म करिए, तब आप दूसरे देश के साथ बात कर सकते हैं उस बात पे। इसके बाद अगर हम ये देखें जितने भी देश थे, चीन ने क्या समर्थन दिया है, चीन ने ये कहा कि मुझे चिंता हो गई इस बात की कि देश ने अपने सीमावर्ती जो देश है उनके साथ उसने उन समझौतों या संधियों को बरकरार नहीं रखा, मुझे इस बात की चिंता हो गई, चीन ने यह कहा। हमारे जो प्रतिनिधि थे, भारत के प्रतिनिधि, उन्होंने यही बात कहा, मुझे आपसे बात करने में कोई भी हमें संकोच नहीं है, बशर्ते आप शिमला समझौता जो आपके सामने आया था, पहले आप आतंकवाद खत्म करिए, कबायली घटनाएं वहां की खत्म करिए, लोगों के साथ मारना हिंसा करना खत्म करिए, उसके बाद हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे जी। अब बात जब हमारी आती है कि पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान को मुझे लगता है, हमें नहीं लगता उसके पास ऐसा कोई मुद्दा है जिसको वो वैश्विक स्तर को लेके अपनी पहचान कुछ बताने की कोशिश करे कि हाँ ये कुछ घटना मैंने अच्छा किया या कोई काम मैंने अच्छा किया या ऐसा कुछ ऐसा किया। अब क्रिकेट को ले लीजिए, क्रिकेट के बाद अगर हम आते हैं इस तरह से राजनीतिक मुद्दों को लेके, सिर्फ आतंकवाद को लेकर के वो देशों के साथ जुड़ा रहता है जहां से उसका जो भी अपनी इंटरनल पॉलिसी रहती है, जो भी अपनी इंटरनल पॉलिसी है उसके हिसाब से वो किसी देश के साथ हिंसा की घटनाएं करता है। ये आता है भाई यहाँ का आतंकवादी घटना हुई, उसका उसके संकेत या उसका जुड़ाव पाकिस्तान से है या उसके सूत्र पाकिस्तान से पाया जा रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को अपने आप को वैश्विक स्तर पर बताने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए कुछ उसके पास है। तीसरी बात जब हमारे सामने बात आती है कि हमारे जो गृहमंत्री जी, उन्होंने जो कह दिया कि परमाणु अस्त्र वाली बात, इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे अगर ये पार्टी जिसमें 370 और 35 से हटाने की बात हो रही है, कश्मीर को लेके इतना संवेदनशील मामला तय किया जा रहा है, वहां पर उस पार्टी का कोई एक मंत्री, जिम्मेदार व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी टीआरपी के लिए, किसी अपने आप को सुर्खियों में बनाने के लिए दे देगा, क्योंकि पूरा मामला देश से जुड़ा है और देश के हर एक नागरिक की निगाह इस घटनाक्रम पर है, क्योंकि कश्मीर के साथ सबकी संवेदनाएं हैं। कश्मीर को हम आज भी अपना कहते हैं, पाकिस्तान कहता है कश्मीर मेरा है, उसमें तो खैर हम नहीं कहते कश्मीर मेरा है और मेरा ही है, और हम कहते हैं पाकिस्तान के बिना भारत भी अधूरा है। सीधी सीधी बात ये होती है। वो भी तो हमारा कश्मीर की बात जब आती है तब आप कहने लगते हैं, बिल्कुल हम ये बात स्पष्ट बिल्कुल इस बात को कहते हैं, कश्मीर तो मेरा है ही, आपने वहां पे आतंकवादी घटनाएं करने के बाद शिमला समझौता या राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमारी आपके साथ बातचीत होती है उन सारी संधियों को, उन बातों को दरकिनार रखते हुए आप आतंकवादी घटना कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, कश्मीर पे अपना जबरदस्ती आप कब्जा बताने की चीज
कब्जा बताने की बात कर रहे हैं, मेरी ही चीज पर आप आकर के एक तरह से अतिक्रमण करते हैं और फिर आप हमसे कहते हैं हमारा दावा है कि ये चीज हमारी मेरी चीज पे आप वो करते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान के बिना मेरा भारत ही अधूरा है, कश्मीर तो मेरा है ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े स्टेटमेंट की बात जब आती है, हमारे रक्षा मंत्री बात कह रहे हैं, ये बात सही है कि कोई जी इतना बड़ा नेता रक्षा मंत्री जैसे पद को निर्वहन करते हुए कुछ आवाज ब्रेक हो रही है आपके पास, एक सेकंड मैं उधर स्टूडियो में संजय जी मौजूद हैं उनके पास चलेंगे। संजय जी, इस पूरी स्थिति में आकलन क्या कहता है आपका, क्योंकि जब बात हो रही है इस पूरी स्थिति की अलग अलग तरह के बयानों की, लेकिन कम से कम नेशन इज फर्स्ट पर पूरा देश के साथ खड़ा है और अच्छी बात है हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार पॉलिसी है वो एक का एक बदलती भी नजर आती है, क्योंकि एक चीज़ पर स्टैंड नहीं है, कभी यूएन कभी यूएन कभी यूएनएससी का जिक्र होता है, कभी अंदर देश के राष्ट्रपति कह देते हैं, कभी चीन का सारा लेकर बातचीत हो जाती है, लेकिन फिलहाल ये साफ है कि बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके पर, रक्षा मंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आपका आकलन किस तरह से कहता है? देखिए, गवर्नमेंट पहले ही क्लियर कर चुकी है कि बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी। कश्मीर हमारा इंटरनल मामला है, वो हमने सॉल्व कर लिया है, उसके ऊपर अब बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बात रही राजनाथ सिंह की, जो राजनाथ सिंह ने कहा है कि क्या कहते हैं, हम नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी को हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको सामने से कोई धमकी देगा तो आप चुप तो नहीं बैठेंगे, कब तक चुप रहेंगे आप? तो ये राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छा कहा है कि कम से कम उनको सबक मिल जाए, जो ये बार बार कभी यूएन में ले जा रहे हैं, कभी धमकी दे रहे हैं भारत को, कभी कश्मीर का मुद्दा लेके, आप पीओके की बात कर सकते हैं, पीओके की बात करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है, लेकिन उससे अलावा नहीं। जी ठीक है विद्रोही जी, अब मैं वापस उसी मुद्दे पर आऊंगा क्योंकि जरूरी था चर्चा में ऐड करना मंजुषा और संजय वर्मा जी को। आप अपनी बात आप पूरी रखें फिर आपदारण सिंह जी के पास चलेंगे। आपदारण जी एक सेकंड मारे। अस्तेश जी पहली बात तो राष्ट्र के मुद्दे पर, राष्ट्रहित के मुद्दे पर, पाकिस्तान से लोहा लेने के मुद्दे पर मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि हम इस सरकार के ही नहीं, जो भी सरकार आएगी उसके निर्णय के साथ में है। बात यहां जो मैंने की थी, मैंने राजनाथ सिंह के राजनीतिक और उनके बयानबाजी की स्वभावगत आदत की थी। इस सरकार नरेंद्र मोदी जी की पिछली सरकार ने, उस सरकार ने, उन्होंने गृह मंत्री, फिर दोहरा रहा हूं, गृह मंत्री रहते हुए केवल और केवल कड़ी निंदा कड़ी निंदा कड़ी निंदा की, और गृह मंत्री इसीलिए अमित शाह जी को दूसरी सरकार में बनाया गया, और सरकार बनने के बाद पिछली सरकार के गृह मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह के कार्यकाल में जो भी काम हुआ, जो बेस तैयार हुआ, उस बेस पर बढ़िया और राष्ट्रहित का निर्णय अमित शाह जी ले चुके। अब जो रक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने बयान दिया उसको गैर वाजिब मैं इसलिए मान रहा हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछली थी और अभी है उसकी कार्य पद्धति कार को कर देने की है, ना को कार को करने के पहले बता देने की है। देखिए विद्रोही सर, मैं आपसे थोड़ा सा पूरा सुन लीजिए, अखिलेश जी पूरा सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, इंटरनेशनल राजनाथ सिंह जी पर चर्चा कर रहा हूँ, बात डेप्थ को नहीं समझ रहे हैं सर, राजनाथ सिंह का मामला है, उसे देखिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से, जिन्होंने कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए लालजी टंडन और कलराज मिश्रा के साथ मिलकर ये मुद्दा पार्टी को 14 साल यूज न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर अगर इनका मोबल डिफेंस रिलेटेड है, आप इसको पॉलिटिक्स में क्यों इसको देख रहे हैं सर? ये तो जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नजरिए से देख के इसकी व्याख्या मत करिए, आप इसके इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक और डिफेंस इंडेक्स को समझिए सर, इनको राजनीतिक हानि क्या होगी आने वाले समय में आप भी देखेंगे, हम भी सर आप ऐसे ही राजनीति करते रहो, उधर पाकिस्तान के जो पत्रकार होते हैं ना अपने जेब में एटम बम लेकर के वो बैठते हैं स्टूडियो में और बोलते हैं कि अभी हमारे खिलाफ बोलोगे तो एटम बम से ही हम जो है इंडिया को मंजुषा जी मंजुषा जी मंजुषा जी इसीलिए हमारे ऊपर जब भी खतरा भापेंगे हम अपने सारे हथियारों का प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम किसी से आदेश लेने जाएंगे क्या कि हमें कैसे प्रयोग करना है? व्यक्ति विशेष के स्टेटमेंट को लेकर के हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि राजनाथ सिंह जी का ये बयान है, हम उनको एज अ रक्षा मंत्री देखते हैं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष को भारत इस समय जिस समय जिन परिस्थितियों में है, जो वैश्विक स्तर पर स्थितियां हैं,
जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर है जो कि बहुत संवेदनशील और मार्मिक स्थिति में है। हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम पर्टिकुलर नहीं ले सकते, वो हमारे भारत देश के रक्षा मंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रक्षा मंत्री के पद पर हैं। अगर व्यक्ति विशेष से किसी को पर्टिकुलर राजनाथ सिंह या किसी ऐसे किसी नाम से आपको अगर है तो आप ये उनका व्यक्तिगत मामला समझते हैं, इस बात को नहीं। हम रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो कभी भी पहला नहीं अटैक करता है, सीधी उसकी पॉलिसी रहती है, पहले तो हम छेड़ेंगे नहीं, छोड़े वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम पहले आपको परेशान नहीं करेंगे, आप अगर कुछ करेंगे तो फिर तो हम अपने आप में सक्षम, हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, समझिए मैं आपको बोल रहा हूँ, भारत की पूरी परमाणु पॉलिसी जो पूरे 70 साल से थी वो चेंज हो गई है। मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्लोबल डिप्लोमेटिक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक इनडेप्थ का टॉपिक है, न कि लोकल पॉलिटिक्स का या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का। आपको पता है कि कंडीशन अगर हेर फेर हो इधर उधर करके इम्प्लीमेंट होगा, इसीलिए कह रहा हूँ केवल बयानबाजी करने की राजनीति। अरे सर जरूरत पड़ेगी तो इम्प्लीमेंट होगा ना, हवा हवाई ऐसे ही बोल दिया तो इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं। नरेंद्र मोदी की पावर का इम्प्लीमेंट जरूरत पड़ने पे होता है सर। मैं कह रहा हूं अब आपके हिसाब से तो ये है, बोल दिया तो इम्प्लीमेंट कर लो, तब आप बोलोगे। कह रहा हूं नरेंद्र भाई मोदी जी उनको कैबिनेट मंत्री से कोई दूसरा दायित्व देंगे देख लीजिएगा। अरे वो देंगे दूसरा दायित्व देंगे, चलिए आपकी बात सही हो जाएगी मैं मानूंगा, लेकिन मैं ये बोलता हूँ इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक मीनिंग है और बेनिफिट भी है और लॉस भी है, लेकिन लॉस नहीं होगा बेनिफिट होगा। इससे मैसेज क्लियर कट किसको गया है सर, आपके जो विरोधी है ना चाइना और पाकिस्तान, 70 सालों में क्यों किसी आदमी ने नहीं बोल दिया ये स्टेटमेंट? आप हटाइए बीजेपी गवर्नमेंट को, मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ, 70 सालों में क्यों नहीं किसी पत्रकार या किसी ने बोल दिया? इसकी जरूरत आप पड़ी है इसलिए ऐसा बोला गया। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी अपनी बात रखे, उसके बाद आपदा रंजीत सिंह आपके पास आ रहे हैं। विवेक जी बोलिए। अजितेश जी, राजनाथ जी रक्षा मंत्री है, भारत सरकार के रक्षा मंत्री है, पूरी सशस्त्र सेना का राजनीति में ऐसी बातें नहीं बोली जाती हैं इतनी गंभीर की केवल टीआरपी लेने के लिए बोल दिए। परमाणु हमले की धमकी देंगे तो क्या राजनाथ जी ये कहें कि उनके बम गिरने का इंतजार करेंगे? उनका जो बयान है वो सशस्त्र सेनाओं को मनोबल को बढ़ाने वाला है, देश की जनता के मनोबल को बढ़ाने वाला है, और देश की जनता यही चाहती है जो राजनाथ जी ने बोला है। पूरा देश राजनाथ जी के बयान के साथ उनके पीछे खड़ा है। आपदा रण सिंह, कोई मीट में निकालने की जरूरत नहीं है सर, ये बदलते भारत की तस्वीर है। किसने क्रिटिसाइज किया ना अमेरिका कुछ बोला ना, कोई 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 कंट्री बोल ही नहीं रही है, इसका मतलब है समर्थन सारे विश्व ने दिया ना, चाइना बोला है, पाकिस्तान बोला है। आपदा रण सिंह जी, अजितेश जी सबसे पहले मैं एके मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि हमारा पक्ष भी सुने, ठीक है सर? नहीं आप बाकी पैनल के लोग शांति से सुन रहे हैं। ये राजनाथ सिंह, मैंने पहले सेशन में कहा कि इस तरह के बयान की राजनाथ सिंह को कोई आवश्यकता नहीं थी। नंबर वन, राजनीति में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री या बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, इसको एक तरफ रख दीजिए। मैं सैनिक इंटेलिजेंस में भी रह चुका हूं, किसी भी इस तरह का बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमने आपको उदाहरण दिया कि हमारे पास पिस्तौल है, लाइसेंस हमारे पास है, एवरीबडी नोज कि इनके पास पिस्तौल है, तो हम दिन भर दागते हुए नहीं घूमते। स्ट्रेटजिक पार्ट जो है, विदेश मंत्रालय का जो स्ट्रेटजिक पार्ट है, ज्यादातर आपने ध्यान पीछे कालों में चले जाइए, पिछली सरकारों में ज्यादातर ये विभाग प्रधानमंत्री अपने पास रखता है। ये बहुत सेंसिटिव चीज है। आप किसी भी रक्षा नीति पर अपनी नियत अखबार में बयान देके साफ नहीं कर सकते। ये हमारी सेनाओं के लिए भी घातक है, भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इंपैक्ट गलत डालेगा। मैं विद्रोही जी के पूरी तरह साथ हूं, और मैं चाहूंगा एके मिश्रा जी हमारे बहुत वरिष्ठ एनालिस्ट हैं,
ये भी इस चीज को रियलाइज करें। यहाँ ताल ठोकने की बात नहीं, ताल ठोकने के बाद अखाड़े मोती जात दो पहलवान लड़ते हैं। अरे सर, जहाँ पे दो देशों के बीच युद्ध और सैनिक की बात है वहाँ पे आप बयान नहीं दे सकते। राजनाथ सिंह यहाँ पे टोटल गलत है। सैनिक होने के नाते मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ। हमारे पैनलिस्ट ने कहा पूरी क्षमता है। मैंने एक लाइन में खोला कि आज की तारीख में पाकिस्तान से अगर युद्ध की घोषणा होती है तो 24 घंटे में हमारी सेनाएं फ्री हैंड कर दी जाए तो ये कराची में नाश्ता करेगी जाके। लेकिन एक रक्षा मंत्री का छोटे गेम के लिए ख्याति प्राप्त करने के लिए स्ट्रेटेजिक मूव का बयान नहीं दिया जाना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आपने इंटरनेशनल पॉलिसी है, आप उस पे टीटी सर आपने भी कहा कि कोई आपको पिस्तौल दिखाए, फोर्ट जबरदस्ती अटल जी ने करा दिया था जिसके पीछे 7 साल तक हमारी इकोनॉमी घुस गई थी। ऐसे बयानों का स्वागत नहीं किया जा सकता। विस्फोट अटल जी ने जबरदस्ती करा दिया था। एक सेकंड मार, क्या राष्ट्र के प्रति भावना है? एक सेकंड, इनकी पार्टी का कैसे कैसे लोगों को आपने बुला रखा है, क्या बोल रहे हैं? राष्ट्र के लिए आवश्यकता, राष्ट्र की आवश्यकता थी, विस्फोट हो चुके थे इंदिरा जी ने तब 154 थे। आप आगे नहीं, अरे हमारे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि क्या कहते हैं, अगर आपके पास पिस्तौल हो तो पिस्तौल कोई आपको दिखाए तो आप उससे गोली खा लो। उसको पिस्तौल, अपनी पिस्तौल नहीं दिखाओ आप। आपने कैसे कह दिया, ऐसी बातें कर रहे हैं आप? गलत था, मैं बता रहा हूँ सर, सुनिए। सर आपका हरण से सुनिए, आप मिलिट्री में थे, आप सुन लीजिए करके देख रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पोजीशंस सिचुएशंस आज चेंज हो गई है। आज चाइना अभी कल ही ने पाकिस्तान का किसी ने साथ नहीं दिया, खुला खुला साथ दे रहा है। एक सेकंड शांत करा देते हैं। और चाइना को साथ लेकर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। विवेक जी, आप जरा जी रुकिए ना एक सेकंड, और रही बात जो आप बोल रहे हैं कि इसको देश को नुकसान होगा, बहुत सारी कंडीशन लग सकती है। एक ही आवाज नहीं जाएगी, बंद है, एक सेकंड रुकिए। अरे विवेक जी, आप जरा जी रुकिए ना एक सेकंड। अरे आवाज रुकिए, दो एक मिनट विवेक भाई, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। आप जरा जी रुकिए ना एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए, सुनिए तो कोई नहीं बोलेगा सर। रुकिए, आवाज बंद है आपकी, रुकिए एक सेकंड, रुकिए एक सेकंड, रुकिए विवेक जी, विवेक जी रुकिए, विवेक जी रुकिए, आप धारण सिंह जी रुकिए एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए सर, समय वैसे ही कम, एक सेकंड रुकिए। देखिए आप धारण सर सुनिए, आप एक भूतपूर्व सैनिक थे, आप ये देखिए जो डर आपने व्यक्त किया है ना कि इंटरनेशनल पे बहुत सारी पाबंदियां लग जाएंगी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। मैंने पहले ये चीज बोला था कि दोनों चीजें हो सकती है लेकिन ऐसा होगा नहीं, उसके पीछे रीजन है। जब आपके पास ताकत होती है तो आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए और उसके फायदे दुनिया के लेवल पे लेना चाहिए। सारी शक्तियां कर रही हैं और हम 70 साल नहीं, 70 साल छोड़ दीजिए, 1000 साल से हमने माफ कर करके कर के इतिहास देख लिया है। हमारे आर्मरी में हमारे सारे तीर धनुष पड़े रहते थे। सवाल ये है यहाँ पे, क्यों नहीं किसी ने पाबंदी लगाया? बताए हुए बोले हुए तो 2 दिन हो गए, किसी ने भी इसके विरोध में नहीं बोला। अमेरिका और रूस और जितनी महाशक्तियां हैं, किसी ने भी नहीं बोला कि भारत ने ये गलत बोला है। दूसरी चीज, आप चाइना और पाकिस्तान को एक साथ करके देखेंगे तब इस बयान के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की आपको समझ में आएगी। आप ट्रेडिशनल वॉर की बात कर रहे हैं, अब वो टाइम नहीं है कि 1-to-1 तलवार लेके टुक टुक करके लड़ेंगे। आज ये न्यूक वर्ल्ड है यहाँ पे, और न्यूक हथियार भी जब चाइना और पाकिस्तान, उसमें से पाकिस्तान तो एक ऐसा है कि जो कि दिमाग से आउट है। वो बोलते हैं जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को अपने न्यूक्लियर उससे बम से ब्लैकमेल कर रहा है। इन्होंने अपने भाषण में क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर जंग होगी तो पूरी दुनिया जिम्मेदार होगी। अगर ऐसे ही भारत सरकार डरती रहती तो इंदिरा गांधी, तो सुनिए, अगर इंदिरा गांधी भी ऐसे ही डर जाती है आपके हिसाब से तो पाकिस्तान के पास टुकड़े नहीं होते। अगर उनको भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, ऐसे ही अगर आज की भी सरकार डर जाती तो हम बालाकोट का हमला करके सबक नहीं सिखा पाते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप और विद्रोही जी जैसे चाइना और पाकिस्तान है ना, उस तरीके से बन गए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं।
अरे सर इंटरनेशनल, अरे मिश्रा जी सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप राजनाथ सिंह को नहीं जानते, राजनाथ सिंह बड़बोले नेता हैं और नरेंद्र मोदी की नीति के खिलाफ हैं, नरेंद्र मोदी की नीति के खिलाफ राजनाथ सिंह का बयान है, राजनाथ सिंह को नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा, भारत के हितों के विपरीत है, राष्ट्रहित के विरुद्ध ये है, जिस तरह कल्याण सिंह के खिलाफ ये राजनीतिक बयानबाजी दी है, नीति बनाई है, इन्होंने गुना किया, कुछ भी बोलते पाकिस्तान के उनके फेवर में बोलते रहिए, बस एक सेकंड रुकिए, डरते रहिए उनके फेवर में बोलते रहिए, क्या आप गलत कर रहे हैं, एक सेकंड बकवास बात मत करिए, राजनाथ सिंह ने नीति को ओपन करके पाकिस्तान और चाइना की मदद की है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज तक कोई अपनी रणनीति उसको नहीं बताया, अकेले मंत्री राजनाथ सिंह बड़बोले मंत्री हैं जिन्होंने अपने इस बात को ओपन किया, उनको नहीं करना चाहिए था, नरेंद्र मोदी की सरकार के राजनाथ सिंह, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी क्षमा नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है देश के नए राष्ट्रनायक को, इस बड़बोले राजनाथ सिंह को वो उसका कद बताएंगे, रक्षा मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर ये नहीं रहेंगे उसी तरह जैसे गृह मंत्री से हटाए गए हैं, अरे सर तो बालाकोट भी गलत हुआ, ये हम लोग डोमेस्टिक अंदरूनी मामलों को छोड़कर सुनिए ना, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, चलिए ठीक है मंजूषा जी, चर्चा समय खत्म हो गया, मंजूषा जी लास्ट कमेंट, यहाँ पर सभी हमारे हमसे तो सीनियर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वरिष्ठ लोग हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ पा रही ये बात कि हम यहाँ पर किस मुद्दे पे बात करने के लिए बैठे हैं, भारत की नीतियों की या पाकिस्तान का ने जो इस तरह से अकेलापन उसको मिल गया उसकी, कि हम आपस में ही एक दूसरे को गृह युद्ध की तरह से करना चाह रहे हैं, क्या इस बात का समझना जरूरी नहीं है, हम ये कह सकते हैं पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते रक्षा मंत्री जी के बयान से, लेकिन अगर हम यूएनए के उसको देखें तो जहां पे पाकिस्तान को समर्थन दिया है चीन ने, चाइना ने समर्थन दिया है, पूरे समर्थन की बात नहीं कहते हैं, उसने चाइना ने ये जरूर कहा है कि मुझे भारत के रवैये पे जो उसने अपने सीमावर्ती देशों के साथ हुई संधियों बातों को उसने दरकिनार करने की कोशिश की है, इससे मुझे गहरी चिंता है, ये कहा है, तो एक तरह से सामने निकल के बात आ रही है कि चाइना पाकिस्तान को समर्थन दे सकता है या दे रहा है, अभी इसमें कंफर्म कोई नहीं, लेकिन जो एक देश का छोटा सा नागरिक है, उसका बहुत छोटा सा किसान को ले लीजिए, जो अंगूठा चाइना की पैठ हमारे घर के एक एक घर के अंदर तक हो गई है, क्या उस नागरिक को यहाँ पे नहीं समझना चाहिए कि चाइना कितने बड़े स्तर पे है और चाइना के पास क्या टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान को हम कहीं कुछ नहीं मानते लेकिन चाइना की टेक्नोलॉजी तो हम जानते हैं, चाइना की टेक्नोलॉजी से तो हम लोग बिल्कुल वाकिफ है, क्या ये हमारे रक्षा मंत्री का अगर एक स्टेटमेंट ये आता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, परमाणु हथियार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये हमारे एक नागरिक, हम वैश्विक स्तर की बात करें या जिस जिम्मेदारी पद को निर्वहन करते उन्होंने दिया है वो पार्टी सक्षम है, अगर उन्होंने ऐसा कुछ स्टेटमेंट विवादित बयान दिया है, अरे बयान तो दिए हो गया, किसी का कोई बयान नहीं आया, किसी कोई देश का बयान नहीं आया, कोई बयान नहीं लगा, उनके लिए कुछ कहेंगे या मंजूषा जी मंजूषा जी हमारे सामने आएगी, समय ओवर हो गया जी, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी चर्चा की लेकिन कई चीजों को लेकर हम आपस में उलझ गए जो कि नहीं उलझना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया विद्रोही साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, मंजूषा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक श्रीवास्तव जी शुक्रिया, अवधारण सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ एके मिश्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय वर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान किससे आया हुआ है खंभा लगा, भारत की जो नीति है, जो न्यू इंडिया का जिक्र किया जा रहा है,
उसमें तमाम चीजें आज की तारीख में एग्जिस्ट करती हुई नजर आ रही हैं, फिर वो चाहे राजनाथ सिंह का बयान हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान हो, लेकिन पाकिस्तान का पक्का इलाज आज की तारीख में ढूंढना बेहद जरूरी है और शायद धीरे धीरे लगता है कि हो भी रहा है। पांच के प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे अलग मुद्दे के साथ। नमस्कार।